Hey guys, welcome back to another gameplay of Minecraft Pocket Edition. And as I'm going to be playing Diamond Armor 1, we will trade with villagers. तो मैं ट्राई करूंगा कि एक नई वीडियो वन वीक संडे या फिर संडे अपलोड करने की. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, अब मैं यहां पर वुड कलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां ट्रेड करेंगे विलेजर्स से. ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले फ्रैक्चर बनाएंगे, फ्रैक्चर से स्टिक और स्टिक से डायमंड आर्मर. और ना ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा बनने वाला है और मैं इसमें टाइम लैप्स नहीं देने वाला क्योंकि वो कुछ यहाँ डिलेट हो चुका है. सो या हम वो जल्दी से कलेक्ट करते हैं. ओके गाइस, डिमोन हो रहे ना. हाँ ठीक है. ओके गाइस, मैंने अभी अपना गेम मैंने जो जहाँ पर मेरे को ट्रिप मिला था मैं वहाँ पर जाके देखा अपने पुराने वाले वीडियो को. तो मेरे को पता चला कि मेरे घर के पास ही कुछ ग्रेवल है, फिर मैंने उसे कलेक्ट कर लिया. एक सेंस में फ्लिंट नहीं मिला है तो अब मैं यहाँ से फ्लिंट के लिए एक मजेदार आइडिया है मेरे पास, तो मैं वो चूज करने वाला हूँ. सबसे पहले इन सबको निकालना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चाहिए होगा ग्रेवल. ग्रेवल को हमको ऐसे तोड़ना है और बस तोड़ना लगाते जाना है, तोड़ना लगाते जाना है. बस इसी प्रोसेस को करते करके हम लोग को फ्लिंट मिल गया और फ्लिंट चाहिए. उसके बाद हम लोग का वो रेडी हो जाएगा फ्लेचिंग टेबल. फ्लेचिंग टेबल के लिए बेसिकली हमें फोर वुड एंड टू फ्लिंट चाहिए होता है. मेरे पास दो फ्लिंट आ चुका है. एंड गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मेरे को अपने जो स्किन है उसे चेंज करना चाहिए कस्टम स्किन में कि नहीं, ये बोलना ठीक है. तो ये मेरे घर के पास, मेरे घर की तरह ऊपर था ठीक है. तो या मैं अभी यहाँ से एमएलजी करता हूँ. एमएलजी गया है अच्छे वाला लेकिन पानी नहीं निकला ठीक है. चलो और ओके, अभी मैंने अपने स्टिक के बाहर निकाला एंड अभी क्राफ्टिंग टेबल में जाके अभी मेरे को चाहिए होगा फ्लेचिंग टेबल. ये रहा फ्लेचिंग टेबल, मैं इसे निकाल देता हूँ. एंड मैं अभी चलता हूँ मैं कहीं बड़े विलेजर के पास एंड देखते हैं. एंड पता है आपको कि इस वाले जो विलेज में रहता हूँ उसमें विलेजर्स ने कमी आई थी. ठीक है चलो. अबे यार, इतनी बार एमएलजी कर रहा हूँ फिर भी एमएलजी नहीं हो रहा है. चलो यार, ठीक है. पानी वाला परेशान कर दी थी, ऊपर चल गया नीचे गिर गया मैं.
ठीक है, और ना मेरे को साउंड इफेक्ट्स नहीं है तो अपने ठीक से तो कोई करेगा नहीं, मजाक नहीं बनाएगा। तो यार मैं रेड खा के हंगर को, एंड ना हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम कुछ फार्म, जैसे वुड फार्म, सेकंड होगा वुड फार्म होगा, स्टोन फार्म, स्टोन फार्म एंड रेकिंग क्या क्या फार्म होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो हाँ मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी हम लोग बेसिकली अभी एक विलेजर को ढूंढना है, तो उस विलेजर को ढूंढने में पड़ेंगे कितने पावर खेलने पड़ेंगे। तो मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ जल्दी से, देखो ना ये पॉकेट एडिशन वैसे ऊपर चढ़ना मेरे ठीक से नहीं है प्रो, देख रहा हूँ इतना अच्छा प्रो हूँ मैं, ठीक से चढ़ना नहीं आता फिर भी प्रो। यार वो एक विलेजर तक नहीं मिल रहा है, सॉरी प्लीज यार, क्लैरिक क्लैरिक आगे चल के काम आएगा। मैं लिटरली एक विलेजर नहीं हूँ, एक ही विलेजर है क्लैरिक, उसके अलावा कोई विलेजर नहीं है। हाँ मैं जनरल घर यहाँ पर बनना चाहता हूँ, ऐसे राजा वाली फील आएगी। पर हाँ मेरे को अभी विलेजर चाहिए जो मेरे को नहीं मिल रहा है, एंड आई थिंक मेरे को मिलेगा भी नहीं, यहाँ पर कोई तो विलेजर आने वाला है। ये आ गया, ये आ गया, मैं इसे तोड़ता हूँ, लेट्स गो, डाल दिया इसको। अभी जो ले लूँगा लेकिन उससे पहले मेरे को सिर्फ भी तोड़ना होगा, तो मैं इसे भी तोड़ता हूँ एंड लेट्स चेक व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है मैंने ले लिया, अभी जॉब ले ली भाई, यार जॉब ले लिए उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। एक एम्ब्रेल के देखो, एक एम्ब्रेल और सिक्स फीस हमको दे रहा है, सिक्स फीस ट्रेड में भी दे रहा है, सिक्स फीस देने भी बोल रहा है। वाह माइंड रफ वाह, लिटरली कोई विलेजर नहीं, विलेजर विलेजर भी नहीं है, बस नाम को विलेज चाहिए, पता नहीं कैसा स्पॉन। ओके मैं अभी एक काम करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट विलेजर को ढूंढ के ट्रेड करके एमरल्स लेके आपको मैं मिलने वाला हूँ। सो भैया मैं अभी उनकी खोज करने वाला हूँ, मैं लिटरली कोई विलेजर नहीं है, मेरे को ये वाला घर जो पसंद आया, देखेंगे ये सो इस स्टेशन के दो ब्रेड जो कि मैं लेने वाला हूँ। ओके सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ सब कुछ करके। ओके गाइस हम अभी आ चुके हैं, सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास कुछ एमरल्स हैं। सो या आज बोला ना वीडियो छोटी होगी, मैं बीच में क्यों बोल रहा हूँ, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी किया मैंने क्योंकि मैं बीच में दूसरे बेड में भी सो गया। सो बेसिकली हम अभी ट्रेड करने वाले हैं आर्मर, तो आर्मर हम ट्रेड करेंगे, थोड़ा सामान इसके अंदर रख दूँ बस, ना ये सर्वाइवल स्टार्टिंग का भाई यार। ठीक है सनसेट को एंजॉय करते हैं, सनसेट देखने के बाद मैं आके हाँ सो जाता हूँ। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया कि मैं क्या करूँगा? ओके ओके गाइस मैंने ओके क्या बोला कि दूसरा क्लिप डालना पड़ गया। सो कि गाइस मैं एक विलेजर ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुबह कौन किसको देख के स्टार्ट किया है माइनक्राफ्ट में, मेरे को अभी विलेजर्स दिखने लगे हैं। सो ये आर्मर यही होता है, आर्मर यहाँ ऊपर ही होता था,
So guys, मैंने इसे थोड़ा ट्रेड कर रहा हूँ भाई आर्मर है तो मेरे को हमको आर्मर का मिलता है रॉबिन की हेलमेट चेस्ट ब्लेड लेगिंग्स विथ पैंट एंड बूट्स मिलता है तो हमको ये चार चीज मिलता है और जो बाकी का सामान है वो आप लोग को टूल्स मेट से मिलता है तो मैं अभी टूल्स नहीं बनाने वाला लेकिन हाँ अब मैं बनाने वाला आर्मर गाइस मैं जानता हूँ कि आपको भाई अच्छा नहीं दिख रहा है पर हम फिर भी मैंने अपना पूरा का पूरा डायमंड आर्मर को ट्रेड कर लिया है जब स्टेटर डॉट ब्लॉक और ये सारा देख लो जो बाकी का इतना स्पेस हो गया मेरे इन्वेंटरी में कि वो सारा गिर के डिस्पॉन हो गया है और हाँ देख सकते हो कि मेरे चेस्ट खाली की चेस्ट वाला है अभी जो घर की बात है जो मैं आपको थंबनेल में बोला था वो लाइटिंग के वीडियो अभी वीडियो हो चुकी है 10 मिनट्स और मैं इससे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला पर हाँ फिर भी हम अपना पूरा का पूरा डायमंड आर्मर को पहनते हैं डायमंड की लेगिंग्स हो गया पूरी की डायमंड कवर में डायमंड लाइक एनचेंटमेंट होता है एडवांसमेंट ठीक है अभी क्या करें मैंने इतना ट्रेड किया है कि मेरे लेवल 60 हो सॉरी लेवल नहीं वो आयरन 60 आ चुका है तो मैं जल्दी से अपने लिए एक एक कर सर एक बोल रहा हूँ आयरन के टूल्स बनाना तो एटलीस्ट हम अपग्रेड हो जाए आयरन में एक्चुअली मैंने देखो आयरन का चेस्ट प्लेट ही बनाया है तो मैंने सर आयरन का हेलमेट या लेगिंग्स ये सब नहीं बनाया है मैंने मैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड में बनाएंगे एंड एक आर्मर स्टैंड भी बनाएंगे अपने घर के लिए मुझे ऐसे डेकोरेशन के लिए एक आर्मर स्टैंड उसके अंदर पूरा का पूरा डायमंड लेगिंग्स सिर्फ एक डायमंड लेगिंग्स एंड एक डायमंड का वो रहेगा हेलमेट और बाकी का कुछ नहीं है गरीब है हम तो या सो मैंने सबको अरेंज कर दिया है चेस्ट में इन्वेंटरी क्लीन रहे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए बाकी का आई आर वाई सब अपडेट हूँ अभी स्टोन का सामान यूज नहीं करेंगे अभी मैं इन सब अपने उसमें अरेंज कर अपने जो मेरे को अच्छा कम्फर्ट लगेगा मेरे को लगाने खेलने में तो मैं उनका यूज करूँगा जैसे आई सील कर अपने सो चलो का एक सेकंड एक सेकंड नहीं सुने एक सेकंड सेकंड हमारा लोडिंग 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 लेट्स गो मल्टीप्लेयर में वीडियो चाहिए था मेरे को वीडियो हाँ मैं अपना फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन ओके गाइस वीडियो पास चलिए और समझाऊंगा क्या वही है आपने जितना थोड़ा बोल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही मैं तुमको अगली वीडियो में जो कह रहा हूँ नेक्स्ट संडे सो पर्टिकुलरली गुड बाय ओके गाइस जैसे कि आप स्टार्ट में देख ही सकते हो कि आप लोगों में से 34% ऑडियंस ने देखा है और बाकी सब ने वीडियो आधे छोड़ के चली गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो